चीफ जस्टिस फाजी सा कहते हैं लगता है आर्टिकल 63 का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। जब आयन में लिख दिया गया है कि ना अहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा, एक तरफ राय दी गई कि मुनहरिफ रुकन डी सीट होगा तो दूसरी तरफ कहा गया कि ना अहली की मुद्दत का फैसला पार्लियामेंट करेगी, ये तो तजाद है। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच मुनहरिफ अरकान असम्बली से मुतालिक आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर समाप्त कर रहा है। अपडेट करेंगे आपको हम समाज से मुतालिक चीफ जस्टिस फायजीसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि लगता है कि आर्टिकल 63 का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। जब आयन में लिख दिया गया है कि ना अहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा, एक तरफ राय दी गई कि मुनहरिफ रुकन डी सीट होगा और दूसरी तरफ कहा गया कि ना अहली की मुद्दत का फैसला पार्लियामेंट करे, ये तो तजाद है। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच मुनहरिफ अरकान असम्बली से मुतालिक आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर समाप्त कर रहा है, यह हम समाप्त जारी है। हमारे नुमाइंदे वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, अहम समाप्त जारी है, क्या रिमार्क्स आए हैं चीफ जस्टिस के अभी तक? देखिए बिल्कुल, मामला आयन के आर्टिकल 63 से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी का है और उस हवाले से आज जो एक लार्जर 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था उसने समाअत की है आज के रोज़ केस पर मेरिट पर दलाइल हुए हैं और अब से कुछ देर कबल जो है वो समाअत मुलतवी कर दी गई है कल के रोज़ तक। और उस हवाले से चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने रिमार्क दिए कि ये आइनी तशरी का मामला है और उस हवाले से जो भी इससे मुतालिक कोई गुजारिशात रखना चाहेगा हम उसको लाजमी सुनेंगे। और उसके साथ साथ आज कमरा अदालत में मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो वकला हैं वो मौजूद थे, उन्हें रोस्टम पर बुलाया गया और ये भी पूछा गया कि कौन जो है इस नजरसानी के हक में और कौन इसकी मुखालफत में दलाइल देगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और उसके साथ साथ जो वफाकी हुकूमत है उसने नजरसानी के हक में दलाइल देने का कहा, जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर थे उनकी जानब से कहा गया कि वो इस सारे मामले पर इस नजरसानी के खिलाफ दलाइल देंगे। और उसके साथ साथ अली जफर की जानब से ये भी कहा गया कि उनको इस बेंच के ऊपर सीरियस नोयत के इतराजात हैं और इतराजात आयद करना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैसा की जानब से ये रिमार्क दिए गए कि आपको इस हवाले से लाजमी सुनेंगे और अब ये जो समाअत है वो कल तक के लिए मुलतवी हो गई है और बेंच जो है वो कमरा अदालत नंबर 1 से उठ गया। जी ठीक है, वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन इस हवाले से अपडेट करते हैं। बेंच कमरा अदालत नंबर 1 से उठ चुका है और बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने एतराज़ात आयद करने की कोशिश की जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैजीसा ने उनको बैठने का कहा, लेकिन बार बार उन्होंने अपना जो तहफ़ात थे वो बताने का कहा तो चीफ जस्टिस ने उनको सरजनिश भी की है और अब ये समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो, अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की, आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com